करना है 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 ये 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 ओपन ओपन इंटरवल इंटरवल शो करता माइनस से लेकर जीरो तक बाकी दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं इंक्लूड हैं बस माइनस इनफिनिटी और जीरो जो है ये ओपन इंटरवल है ठीक है और यूनियन यू का साइन आपने डालना है और कौन सा नहीं होना चाहिए जीरो से और इंफिनिटी तो फिर यहां ओपन इंटरवल आपने बना ये ब्रैकेट लगाने जीरो प्लस इंफिनिटी तो इंटरवल की फॉर्म में हम इस तरह से राइट करते हैं ये रिप्रेजेंट करता है माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक सारे नंबर्स इंक्लूड हैं इसकी डोमेन में और उसके अलावा ज़ीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक भी इन्फिनी तक भी सारे नंबर्स इंक्लूड हैं क्योंकि तो वो इसे डिफ़ाइन करते हैं सिर्फ ये ओपन इंटरवल शो कर रहा है माइनस इन्फिनिटी जीरो और जीरो और इन्फिनिटी सिर्फ ये जो नंबर्स हैं ये एक्सक्लूड हैं इसकी डोमेन में ये तरीका है ये मेथड है इंटरवल की फॉर्म में डोमेन राइट करने का राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड अदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल हाउ कैन वी राइट डोमेन इन इंटरवल फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर वन ओवर फ़ाइव माइनस टू एक्स हमने अपने माइंड में क्या सेट किया हुआ है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए आप पुट कर दें डिनोमिनेटर के टर्म को वन ओवर फाइव माइनस टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स इज़ इज नॉट इक्वल टू तो वन ओवर टेन ये वन ओवर टेन जो है वो डिनोमिनेटर को ज़ीरो करता है एक्स की जगह पर अगर वन ओवर टेन पुट किया जाए वो हमारे डिनोमिनेटर दि, को जीरो कर देता है इसे अनडिफाइंड कर देता है इट मीनस कि जो हमारी डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग वन ओवर टेन वन ओवर टेन अगर उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमारे डोमेन है उसको क्या रखते हैं वो उसको डिफाइन रखते हैं तो आप इंटरवल की फॉर्म में इसे कैसे राइट करेंगे पहले ये लाइन बना लें इससे जब आप लाइन बनाएंगे इस तरह से आपको कभी गलती नहीं होगी भूलेगा नहीं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और ये वो कौन सा है वन ओवर टेन आप इसको राइट कर लें कहीं पर भी यहाँ मैंने राइट कर दिया आपने ये नहीं कहना कि इसको सेंटर में राइट कर दिया सेंटर में तो ज़ीरो होता है नहीं हमारा जीरो से कंसर्न नहीं है यहाँ पर ठीक है हमारा वन ओवर टेन के साथ कंसर्न है इसको हमने डील करना है तो माइनस इन्फिनी जो है वो रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता तो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ वन ओवर टेन इट मीन्स के माइनस इन्फिनिटी टू वन ओवर टेन जितने दरमियान में नंबर्स हैं सारे के सारे तो इंक्लूड हैं इसकी डोमेन में जस्ट माइनस इन्फिटी और वन ओवर टेन शामिल नहीं है इंक्लूड नहीं है एक्सक्लूड है ये और यूनियन वन ओवर टेन टू प्लस इन्फिनिटी वन ओवर टेन प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल के साथ इट मीन्स के वन ओवर टेन और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर एक्सक्लूडेड हैं बाकी रिमेनिंग जितने भी दरमियान में नंबर्स आते हैं वो सारे हमारे इंक्लूड हैं इस तरह से ये तरीका है आपका डोमेन को इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल राइट करने का बच्चों ये जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी की सारी लीनियर हैं यानी आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो वन है यहाँ पे पावर क्या है वन है और पीछे भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उनमें सब में तो हम कहेंगे दीज आर टाइप्स वेन देर इज लीनियर फंक्शन इन डिनोमिनेटर ठीक है अब मैं राइट करने लगी हूँ आपको बताने लगी हूँ कि वो फंक्शन जब डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन ना हो लीनियर का मतलब क्या होता है पावर वन ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एमसीक्यू के लिहाज से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स स्केयर माइनस वन तो हमें क्या चाहिए हमें यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए ठीक है तो फिर हम यहाँ राइट करेंगे एक्स स्केयर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो इसको ऐसे कर लें एक्स केयर इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू वन एक्स स्केयर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स केयर इज नॉट इक्वल टू वन तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गई तो डोमेन यहाँ प्लस वन और माइनस वन तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि डोमेन है ऑल रियल नंबर्स हैं उनमें से आपने क्या एक्सक्लूड करना है माइनस वन से माइनस वन इसकी जो वैल्यू बनती है वो माइनस वन से प्लस वन तक बनती है यानी एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है और प्लस वन से क्या है वो छोटी हैं तो हम इसे राइट करेंगे पहले हमने यहाँ सेट राइट किया कि माइनस वन लिसन इट अगेन x इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई प्लस वन और माइनस वन तो हमने यहाँ राइट कर दिया ये शो करता है जस्ट इन टू डिजिट्स को माइनस वन और प्लस वन को क्या सारे रियल नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हैं माइनस वन और प्लस वन यहाँ पर एक्सक्लूड हैं अब इसको राइट हमने किस तरह से करना है इंटरवल की फॉर्म में तो आप माइनस इन्फिनी प्लस इंफिनिटी माइनस वन प्लस वन ये हमने सिर्फ नहीं हमारे इंक्लूड uh, होंगे तो हम लिखेंगे माइनस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस वन ओपन इंटरवल क्या मतलब है इसका कि दरमियान वाले माइनस वन जो है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सारे इंक्लूड हैं सारे शामिल हैं रियल नंबर्स में इसकी डोमेन के अंदर इस इंटरवल में सिर्फ कौन से शामिल इंक्लूड नहीं है माइनस इंफिनिटी और माइनस वन ठीक है फिर यूनियन आपने डाला फिर माइनस वन और प्लस वन सेट के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड नहीं है तो माइनस वन वन ओपन इंटरवल के साथ यानी माइनस वन से लेकर प्लस वन तक दरमियान में जितने नंबर हैं सारे इंक्लूड हैं और माइनस वन और प्लस वन एक्सक्लूड हैं फिर आगे आप लिखेंगे यूनियन प्लस वन से प्लस इंफिनिटी तो प्लस वन प्लस इन्फिटी के दरमियान में जितने हैं वो सारे इंक्लूड हैं जस्ट ये ओपन इंटरवल ये शो कर रहा है कर रहा है यहाँ पर कि प्लस वन और प्लस इंफिनिटी यहाँ पर एक्सक्लूड हैं ओके इसी तरह हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स को और अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को कि एक्सरसाइजेस को जब हम सॉल्व करें हमारे लिए आसानी हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अंडर रूट स्क्यर रूट जो भी आप लोग कहते हैं अंडर रूट एक्स अगर यहाँ पर आपके स्केयर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है तो यह आप कंप्लेक्स फॉर्मेट बन गई और कम्प्लेक्स तो फिर इमेजिनरी की तरफ चला जाता है तो हमने उस सिचुएशन से अवॉइड करना है जो यहाँ पर इमेजनरी को क्रिएट करता है इमेजनरी सिचुएशन को क्रिएट करता है ठीक है क्योंकि इमेजनरी जो होता है वो डोमेन का पार्ट नहीं होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आपने ये टर्म जो अंडर रूट के अंदर या स्केर रूट के अंदर जो टर्म है उसको आपने लिख देना है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो राइट x इज़ ग्रेटर देन और एकअल्स टू ज़ीरो तो इसकी डोमेन हम राइट करेंगे यानी एक्स ज़ीरो के इक्वल है और ज़ीरो से बड़ा है तो हम इस तरह से राइट करेंगे ज़ीरो इंक्लूड है यहाँ पर ओके और इन्फिनिटी यानी आपने लाइन ड्रा कर ली कि ये इन्फिनिटी है और ये ज़ीरो है तो डोमेन आप इसकी राइट करेंगे कि ज़ीरो जो है एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है और ज़ीरो से बड़ा है ज़ीरो से बड़ा होगा तो आप ये पॉजिटिव इन्फिटी की तरफ आप लोग जाएंगे और लेकिन इन्फिनी ख़ुद तो इंक्लूड नहीं होता इसलिए आपकी डोमेन इस तरह राइट की जाएगी ज़ीरो ये ब्रैकेट आपने लगानी है ये ब्रैकेट किसको शो करती है क्लोज इंटरवल को और ये दूसरी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट किसे रिप्रेजेंट करती है ये ओपन इंटरवल को तो आप राइट करेंगे जीरो क्योंकि एक्स जीरो के इक्वल है ज़ीरो और इन्फिनिटी और ये इस ब्रैकेट के साथ कि ये इसकी डोमेन है और इसे हम इस तरह से राइट करेंगे ठीक है तो आपके एग्जाम्पल जो है एक और हम इसी तरह लेते हैं अगर ये अंडरोड एक्स डिनोमिनेटर में आ जाता है अगर बच्चों ये अंड्रोड एक्स डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे एक, आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज वन अनोट एक्स हम इसकी बात कर रहे थे एक्स यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में जीरो इसको अनडिफाइंड कर देता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आपने पुट करना है अगर इस तरह की सिचुएशन हो और डोमेन यहाँ पे आपने क्या राइट करनी है कि डोमेन आपकी होगी ज़ीरो इन्फिनिटी दोनों ओपन इंटरवल के साथ कि यानी जीरो से लेके प्लस इन्फिनी तक जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव को हम नहीं ले सकते हम नेगेटिव इन माइनस इफिनिटी की तरफ नहीं जाएंगे हमने यहाँ पर क्या करना है एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो हम पुट करेंगे और लिखेंगे डोमेन ओपन इंटरवल के साथ ज़ीरो एंड इन्फिनिटी यानी प्लस जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन में इंक्लूड हैं ज़ीरो और इन्फिनिटी जो है ये एक्सक्लूड हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फाइव ये भी आपका स्क्यर रूट के अंदर है एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस फाइव अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर यहाँ पर माइनस फाइव पुट किया जाए तो ये आपका ये ज़ीरो हो जाता है ठीक है तो हम अगर हमें ज़ीरो से कोई इशू नहीं है एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हमने यहाँ पे पुट कर लिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फाइव यहाँ ये यह आ गया तो हमारी जो डिमेन बनती है वो ये बनती है माइनस फाइव से लेकर इन्फिटी तक अगर इस तरह से ड्रा किया जाए माइनस इन्फिटी प्लस इन्फिटी और ये माइनस फाइव है यानी हमारे पास यहाँ पर माइन माइनस फाइव इंक्ल्यूड है इक्वलिटी का साइन है और यहाँ प्लस इन्फिनी तक माइनस फाइव से प्लस इन्फिटी तक और इन्फिनी जो है वो क्या है एक्सक्लूड है तो इसकी डोमेन इस तरह से लिखी जाएगी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर अगर इसी को रिवर्स कर लें ये तो एक्स प्लस फाइव था ये यह हमारी यहाँ पर जो डोमेन हम ले रहे थे हमारा जो एरो है वो जाता है माइनस से प्लस इंफिनिटी इन्फिनिटी की तरफ इस तरफ मूव करता है क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस फाइव के इक्वल है या माइनस फाइव से ग्रेटर है माइनस फाइव ये इक्वल यहाँ पे आ गया और माइनस फाइव से ग्रेटर इस साइड पे मूव करेगा तो हमारी डोमेन बनेगी माइनस फाइव इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक जाता है और इन्फिनिटी खुद जो है वो ओपन इंटरवल के साथ हमने यहाँ राइट किया है ये ब्रैकेट शो करती है ओपन इंटरवल को ओके नेक्स्ट एग्जांपल इसका रिवर्स कर लेते हैं रिवर्स मीन के ये एक्स प्लस फाइव है तो फाइव माइनस एक्स ले लेते हैं कि इसमें ये हमारा एरो प्लस इन्फिटी की तरफ मूव करता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में करंट एग्जाम्पल में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इसलिए हमने ये एग्जाम्पल ली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंड फाइव माइनस एक्स फाइव माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो राइट फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आपने इस फॉर्म में लिख लिया इसको तो इट मीन्स के जो आपका इंटरवल यहाँ पे बनेगा वो क्या है फाइव एक्स जो, जो है वो फाइव के इक्वल है फाइव है या फिर एक्स क्या है फाइव से स्मॉल है फाइव से स्मॉल किस तरफ पे जाएगा पॉजिटिव की तरफ तो नहीं आ सकता सिक्स सेवन एट तो नहीं फिर ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा हमारा एरो हमारी डोमेन लिखी जाएगी फाइव इंक्लूड है फाइव से लेकर फाइव इंक्लूडिंग फाइव से माइनस इन्फिनेटी तक और माइनस फाइव जो है वो ओपन इंटरवल के साथ है वो एक्सक्लूड है वो शामिल यहाँ पर नहीं है लास्ट एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसकी तरफ आते हैं हम ये आपके कई बार जो है पेपर में आ चुकी है ये एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन यहाँ पे लीनियर फंक्शन नहीं है एक्स की पार जो है टू है यहाँ पर तो एक्स केयर माइनस नाइन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो जीरो आपने वही जो रूल यूज़ किया है ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो पुट कर दिया और अगर ओवर की फॉर्म में होता है फिर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते जैसे हमने डिस्कस हम डिस्कस हम कर चुके हैं इस एग्जाम्पल में हमने किया है ठीक एक्स केयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो नाइन एक्स की यहाँ पर एक वैल्यू नहीं आती डबल वैल्यूज आती है प्लस माइनस थ्री तो इट मीन्स के हम यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्री एक्स इज इक्वल टू और लेस देन माइनस थ्री तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे माइनस इंफिनिटी